तो वेलकम टू इक कम्फर्ट। तो आज ना मैं आपको दिखाऊंगी कि मलाई में से बटर कैसे निकालना है। तो ये बटर हमने निकाला है ऑलमोस्ट 1 लीटर मलाई से, हमने पनीर भी निकाला है और हमने ये जो पानी रखा है जिसको कि हम चावलों वगैरह में यूज करेंगे ये भी रखा है। तो हमने एक भी चीज वेस्ट नहीं करी है और 1 लीटर अराउंड 900 ml मलाई में से ये पूरी की पूरी मलाई का जो दूसरा फॉर्म है वो यहाँ पर है हमारे पास में। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम घर पे बटर। और इसके लिए आपको मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे और बने रहते मेरे साथ। तो अच्छा लगता है, कमेंट में आप बताइए कि छोटी छोटी चीजें हैं, टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो ये कैसा लगता है। तो आज ये स्पेशल वीडियो है ईजी तरीके से आपके साथ में क्विकली फटाफट बटर बनाने की। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे घर में हम मलाई से बटर। हेलो, वेलकम टू एक कॉम्फर्ट्स। भाई आज जो ना कुकिंग वुकिंग नहीं करेंगे, आज मैं आपको कुछ और एक अलग चीज बताती हूँ। हालांकि काफी लोगों को पता होती है पर फिर भी कुछ लोग नए नए कुकिंग करते हैं तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो खाना बनाते बनाते हम लोग को आइडिया लगता रहता है और हम अपने ट्रायल एंड एरर से काफी कुछ करते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ये है हमारी मलाई है। ये डेला जो दिख रहा है ना, ये बर्फ थोड़ा बना हुआ है क्योंकि मैंने फ्रीजर में काफी दिन से मलाई इकट्ठी कर रही थी। तो ये मलाई जो है करीब 900 ml जो है ये मेरी इकट्ठी हो गई थी फ्रीजर में, जो कि मैंने दो ढाई घंटा पहले निकाल के बाहर रखी थी। तो ये जो है मेल्ट हो गई है। हालांकि आप इसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, आप इसको सब्जी में डाल सकते हैं, कोई भी स्वीट डिश बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने जो आज बनाना है इसका, ये हमने घी बनाना है इसका, या फिर आप इसको बटर बना सकते हैं। मतलब पहले आप बटर बनाएंगे फिर उससे घी बनाएंगे। अगर आप बटर की शेप में रखना चाहते हैं भाई बटर के तरीके से, तो बटर भी आप फ्रिज में रख सकते हैं ताकि बिल्कुल जब आप एकता होम फूड्स पर पंजाबी पराठे देखें तो उसके ऊपर वो बटर लगा के वो पराठे की रेसिपी जरूर देखें। बहुत सारे पराठे मैंने आपके लिए डाले हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, आलू का पराठा, गोभी का आई डोंट रिमेम्बर, गोभी और मूली का पराठा है उसमें, काफी सारे आलू मेथी का पराठा है, पनीर का पराठा है, काफी सारे पराठे जिनके साथ आप या तो ये मलाई भी खा सकते हैं, मलाई चीनी जो स्टैंडर्ड होता है भाई पंजाबियों का, या फिर बटर निकाल के बटर खा सकते हैं या फिर ऊपर से घी लगा के खा सकते हैं। तो हमने आज कैसे बनानी है मलाई का घी, हम कैसे बनाएंगे, पहले हम मलाई से बटर बनाएंगे। तो ये हमने ले लिया फूड प्रोसेसर, बहुत इजी हमने शॉर्टकट तरीका करा है। ये हाथ से लेके इसको रगड़ते रहिए, उसमें बीटर चलाते रहिए, कोई जरूरत नहीं करनी है आपको हाथ गंदे करने की, कोई जरूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं इसमें मैंने लिया है ये प्लास्टिक वाला ब्लेड, जो है नीचे एक ब्लेड लगा होता है उसके ऊपर ये प्लास्टिक ब्लेड हमने लगा लिया है। और ये जो हमारी मलाई है पूरी की पूरी मलाई हम इसमें डाल देंगे। ये मलाई पूरी हमने इसमें डाल दिया। अगर आप थोड़ी मलाई से निकाल रहे हैं तो आप उसको मिक्सी में भी निकाल सकते हैं, जैसे हम फूड प्रोसेसर चला रहे हैं आप मिक्सी के जार में भी उसको थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के मक्खन निकाल सकते हैं। तो हम ये इसका ढक्कन लगा देंगे और इसको कर देंगे स्टार्ट। और इसको रखना है हमने धीरे पे, इसको बहुत तेज नहीं चलाना है, धीरे वाली इसकी स्पीड रखनी है। बीच बीच में आपने इसको बंद करते रहना है और चेक करते रहना है कि अभी ये जो कैसे हुआ है, ये अभी बिल्कुल नहीं हुआ है, वापस इसको हम बंद करके फिर से चला देंगे। जब तक कि ये पानी अलग और मक्खन अलग ना हो जाए तब तक आपने इसको चलाते रहना है, बंद करते करते बीच में लगातार ना चलाएं। ये ना हम इसके ऊपर से भी झांक के देख सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। साथ ही में ना ये छोटी कटोरी आपने देखी, इसके अंदर कुछ है इसका राज मैं बताऊंगी, आप वीडियो देखते रहिए, मैं लास्ट में आपको बताती हूँ कि इसका आधे पार्ट के बाद आपको पता चलेगा कि इसका भी क्या राज है। ये मैंने अभी रोका है इसको और आप देख सकते हो अभी कैसा हुआ, ये लिक्विड सा जो था उससे ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में आया। मतलब अभी होने वाला है, थोड़ा सा और हमें इसको चलाना है, इसको वापस हम ऑन कर देंगे। इट्स वेरी इजी वे ऑफ मेकिंग आउट ये बटर निकालने का मलाई से, खट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो दही डालो स्मेल आती रहेगी, कोई जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल फ्रेश मलाई से आप निकालें। बार
और मैं खोल के आपको दिखा रही हूँ। देखिए अभी किस तरह पहुंचा है, अभी और थोड़ा सा वक्त है। ये बीच बीच के आपने देखा होगा कि इस तरह की स्टेजेस आती रहती हैं जब आप बटर निकालते हैं। मतलब ये जो वीडियो ना स्पेशली मेरी मम्मी के लिए निकाल रही हूँ, बना रही हूँ, क्योंकि वो लगी रहती है हाथ से मक्खन निकालने में। ये आप देख सकते हो कैसे इसका होते जा रहा है टेक्सचर। आपको समझ आ जाएगा कि कब ये मक्खन निकल रहा है, जब पानी अलग और मक्खन अलग। देखिए रोक के हमने देखा, इसको ओपन करके भी देखते हैं। ये देखिए अभी ऑलमोस्ट बस होने वाला है। ये देखिए ये हो गया है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़े से चार पांच छह आप जो है बड़े बड़े आइस क्यूब डाल सकते हैं। आइस क्यूब नहीं तो, क्योंकि ये प्लास्टिक का प्लेट है, आइस क्यूब की जगह आप ठंडा पानी डालें तो अच्छा होगा इसमें। ये देखिए बस ये बटर बनने के लिए बिल्कुल एक मिनट भी नहीं है इसमें, एक मतलब आधा मिनट के अंदर ये बटर हमारा रेडी हो जाएगा। ठंडा पानी डालेंगे तो थोड़ा वो जो बटर का लंप है वो एक साथ हो जाएगा, और नहीं तो आप इसी को बर्तन को इसी तरीके से फ्रिज में थोड़ी देर रख दें तो भी वही काम हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा इसको और चलाऊंगी, बिल्कुल ज्यादा नहीं। ये देखिए यहीं से हमको समझ आ रहा है कि भाई ये मक्खन जो है निकल चुका है। ये देखिए ये पानी आपको अलग दिख रहा है और मक्खन अब जो है अलग दिख रहा है। ये देखिए ये हमारा मक्खन अलग हो रहा है, पानी अलग हो रहा है। बस इसमें ये है कि बस हमें तो और थोड़ा ठंडा पानी डालने की जरूरत है, जो कि हम डाल देंगे आइस में मिला हुआ पानी, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। ये मैंने लोटे में थोड़ा बर्फ डाल के पानी ले लिया, इसी को मैं इसके अंदर डाल दूंगी, थोड़ी इसमें ठंडीर ज्यादा हो जाएगी। देख सकते हैं आप बटर अभी भी दिख रहा है आपको, बस थोड़ा और ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, वही हमको चाहिए। ये जरा सा मैंने बस चला दिया आइस डाल के, तो ये देखिए ये मक्खन हमारा निकल के रेडी। अब इसको हम निकाल लेते हैं और ऊपर ऊपर से मक्खन को निकाल लेंगे। एक बोल में पहले मैं निकाल लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए कि कैसे हो जाता है मक्खन। तो ये आप देख सकते हो ये मैंने इसमें से निकाल के इस बोल में निकाल लिया है। तो ये देखिए ये मक्खन जो है निकल गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको चम्मच से नहीं, हमारे पास जो पूड़ी छानने वाली छन्नी होती है ना, उसी से हम इसको निकालेंगे। ये देखिए इस तरह की छन्नी से हम इसको इस तरह से निकालेंगे। और अभी इसमें बहुत पानी होता है, जब हम इसको निकाल लेते हैं उसके बाद हम इसका पानी भी, इसका हम निचोड़ निचोड़ के हाथ से दबा दबा के पानी भी हम निकालते हैं। ये देखिए ये हमारा कितना सारा मक्खन जो है, एक 900 ml जो हमारी क्रीम थी उसमें से हमने निकाला है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, अभी जाइएगा नहीं। और क्या करना है हमने वो भी मैंने आपको बताना है। ये जो कटोरी में कुछ लिक्विड है इसकी भी राज है, वो भी मुझे आपसे खोलना है अभी। तो ये देखिए भाई ये बटर जो है, घर का मक्खन जो है निकल के तैयार है। सफेद इसलिए नहीं है कि भाई ये पैकेट वाला दूध है, अगर आप भैंस का दूध बिल्कुल सामने निकलवा के लाते हैं तो बात अलग ही होती है। तो ये जो है भाई शहरों की कहानी है, गांव की कहानी तो है नहीं है। तो ये देखिए इतना सारा मक्खन हमारा निकल के रेडी है घर का। अब इसको हमने ना दबा दबा के इसका पानी निकालना होता है। ये देखिए अभी अभी इसमें और काफी दूध जैसा जो है वो भी हम इस तरह से दबा दबा के इसको निकाल सकते हैं। और चाहिए तो आप इसको छन्नी में डाल के रखिए, एक छन्नी में, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये छन्नी है हमारे पास में, और इस छन्नी में जो है हम इस मक्खन को इसमें निकाल देंगे इस तरीके से। इस छन्नी में आप इसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए तो इसका पानी जो है निकल जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा चम्मच से इसको इस तरह से आप करते रहिए तो बिल्कुल पानी जो है बटर का निकल जाएगा। और फिर आपने थोड़ी देर इसको आधा घंटा छोड़ दीजिए, जितना पानी देखिए नीचे पतीले में निकल जाएगा। अब आती है बारी राज खोलने की, इस कटोरी में क्या है। तो ये जो हमारा मलाई में से जो हमने मक्खन निकाला है, ये बचा है दूध, इसको हम चढ़ाएंगे गैस के ऊपर या कोई भी जो आप यूज करें उसके ऊपर। और साथ में ये जो जादुई चीज है भाई, ये है विनीगर। ये विनीगर मैंने लिया है 3 चम्मच, 3 से 4 चम्मच या 2 से 4 चम्मच जितना लग सकता है। तो ये जो हमारा बचा हुआ है दूध मलाई से जो मक्खन निकालने के बाद, इसको अब हम निकालेंगे पनीर, ताकि हम कुछ भी चीज़ जो है छोड़े नहीं। बिल्कुल भारतीय गृहिणियों की तरह फुल कंजूसी में मैं आपको ये रेसिपी दिखा रही हूँ।
और एक और कंजूसी का काम यह है कि जितने बर्तन आपने यूज किए हैं मक्खन की मलाई से लेके मक्खन निकालने तक से शिफ्ट करने में, मक्खन को दूसरे बर्तन में निकालने के, इन सब में भी आप थोड़ा सा गर्म पानी डालिए और उस पानी को निकाल के चावल बनाने में यूज करिए। ये देखिए, ये मक्खन निकाल के मैंने डब्बी में डाला है लेकिन अभी भी इसमें बहुत दूध है, तो वो हम निकालते जाएंगे। किस तरह से इसको बार बार इस तरह से दबाइए पूरे मक्खन को, और जितना अंदर पानी है वो बार बार निकलते आएगा बाहर। दूध जो बचा है वो भी हम जिसमें पनीर निकाल रहे हैं उसी में ही डाल देंगे। ये देखिए, हाथ से इसको आप दबाते रहेंगे या मुट्ठी में रख के एक मुट्ठी दूसरी मुट्ठी से शिफ्ट करते रहेंगे, तो इस तरह से इसका पूरा जो है दूध निकल जाएगा। अगर वो रह भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि थोड़ा ज्यादा दिन तक चलाना होता है तो ये जो लिक्विड्स इसमें कुछ होता है जिससे कि खराब होने के चांस ज्यादा रहते हैं, ये आप निकाल दीजिए इसी तरह से। जब तक बिल्कुल बंद हो जाए निकलना इसमें से दूध, तब तक आप इस तरह से करते रहिए। ये आप देख सकते हैं, अब इसमें से मैंने पूरा दूध निकाल दिया है जो भी लिक्विड था। अब ये बिल्कुल पूरा सिर्फ बटर रह गया है, देखिए बिल्कुल बटर है। तो अब इसको आप जो है अच्छे से गोल बना के एक डब्बी में निकाल के रखें। ये देखिए इस तरह से गोल हो गया, ये हमने एक बोल में निकाल के इसको अब आप फ्रिज में रख सकते हैं कवर करके, या जैसे भी आपके पास बटर वाला मोल्ड रहता है, बटर वाला जो डिब्बा रहता है उसमें, या किसी स्टील के डब्बे में, या जैसे भी आप रखना चाहते हैं, इसको अब आप फ्रिज में रख लीजिए और खूब बढ़िया से एंजॉय कीजिए। अब दूसरी चीज की तरफ हम देखते हैं, जो हमारा दूध हमने मलाई से निकाला था, मक्खन निकाला था, उसका हम क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो हमने रखा था बॉईल होने के लिए, ये बॉईल हो गया। अब हम इसमें जो है ये विनेगर जो है ये हम डाल देंगे 2-3 चम्मच, और ये दूध जो है फट जाएगा और इसका निकल जाएगा भाई पनीर। ये देखिए, ये निकल गया इसका पनीर। ये अब इसको हम फिर से छान लेंगे, पनीर निकलते ही इसको अलग अलग हो जाए, जैसे पानी और बिल्कुल पनीर अलग हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया। तो दूसरी चीज भी निकला है इसमें से आपके लिए। एक और चीज है, अभी पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, अभी थोड़ा रुकिए। ये मैंने वही वाली छन्नी ले ली है जिसमें हमने बटर निकाला था, उसी में मैं ये जो है डाल देती हूँ पूरा, जिससे हमने पनीर निकाला है। और ये देखिए, ये पनीर निकला है हमारा, और साथ देखिए काफी सारा पनीर निकला है, कम नहीं है। और ये जो बचा है इसका जो है, इसमें आप या तो चावल बना लीजिए, या आटा गूंद लीजिए, या दाल में डाल लीजिए, जो भी चीज में आप इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल भी खराब नहीं है। ये जो पानी जो बचा है अभी लास्ट वाला, थोड़ा सा खट्टा जरूर रहेगा क्योंकि इसमें विनेगर है, अदरवाइज इट इज वेरी हेल्दी। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, स्पेशली चावलों में ये बहुत अच्छा लगता है, पुलाव जैसे बना रहे हो तो ये वाला पानी यूज आप कर सकते हैं। और पनीर तो है ही, और साथ में अपने पास अपना बटर भी है। तो तीन चीज जो है ना भाई, इसमें से देखिए निकल गई है। तो ये देखिए, 900 ml मलाई, मतलब करीब 1 लीटर मलाई होती है, उसमें से इतना सारा पानी हमारा बच गया जिसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला था एक्स्ट्रा, जिसमें कि हमने बर्फ डाल के डाला था, जिसको कि हम चावल वगैरह में यूज कर सकते हैं। फिर ये बटर हमारा निकला है, बहुत अच्छा बटर, देखिए इतना बटर काफी होता है, काफी दिन चल जाएगा। और ये पनीर भी निकल आया। तो तीनों चीज हमने निकाल ली है, एक ही मलाई में से कुछ भी चीज हमने फेंकी नहीं है। तो यही होती है कि जो ग्रहणियां होती है ना, वो इस तरह से कंजूसी से घर चलाती हैं और बहुत ही तरीके से चलाती हैं। तो आप भी बने रहिए मेरे चैनल पे। और ये जो छोटी सी टिप आज मैंने आपको दिखाई है ना, मलाई इकट्ठी करके घी बनाने की, बटर बनाने की, बटर से घी तो हमने बनाया ही नहीं है, बटर से हमने घी भी बनाना होता है ना। तो चलिए घी आज छोड़ देते हैं, आज हम बटर ही बनाएंगे, बटर बना के रखेंगे, क्योंकि बटर ज्यादा टेस्टी लगता है। घी तो हम खरीदते भी रहते हैं, लेकिन इसका भी आप घी बना के रख सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी एक दिन। यहां तक का प्रोसेस आपको पता चल गया है, अगला वाला भी मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।